अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। यादगार शहरे सितमगर ही ले चलें, कुछ यादगार शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें, इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहां, आ आए शबे फिराक तुझे घर ही ले चलें। आलम निजामी साहब अब आ जाइए, आप तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। मकामी शायर आलम निजामी, आप जितना इनकी दिल हिम्मत अफजाई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये दिल का माल निकाल के आप सामने रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे एक अच्छे दोस्त मुकेश भाई कांदेवली से चल के यहाँ पर आ चुके हैं। मुकेश भाई मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच से। साकिना का छोटा भाई अफजल चौधरी भी यहाँ पर आ चुका है, मैं अफजल आपका भी यहाँ पे इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। जी आलम निजामी पढ़िए। साकिना का खैरान रोड की आबरू, हमारी इज्जत हमारा वेकार, मोहतरमुल मकाम जनाब हाजी एहसान राइन साहब, मैं बोल दूंगा तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, बोल दूंगा। आबरू ये उर्दू अदब ताजदारे अदब जनाब शकील आजमी साहब, मोहतरमुल मकाम जनाब गालिब शेख साहब, मोहतबर शराए किराम व दिगर हाजरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम का जवाब बुलंद आवाज से आप अगर दे तो बड़ा करम होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देखिए हजरात, वसीम बरेलवी साहब ने कहा था कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। क्या बात है, वाह, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बेशक बेशक। ये जश्न शादी का मुशायरा है और शकील आजमी साहब जैसे बड़े कदावर शायर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं तो इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना यूं है जैसे हम किसी इम्तिहान गांव में खड़े हुए हैं। क्या बात है। बहरहाल उनकी मजबूरी है, वो सामने से बैठ के सुन रहे हैं ये, लेकिन हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि शकील आजमी के साथ तस्वीरें निकलवाने के लिए लोग कतार में लगे रहते हैं और आज ये खुशबख्ती है कि उनकी मौजूदगी में हमें शेर पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत खूबसूरत समाते हैं आज किस मुशायरे में जहाँ इल्मी अदबी समाजी शख्सियतें जलवागर हैं। छोटा भाई इरफान खान यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं, इरफान मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। वहीं शोबे तजारत से ताल्लुक रखने वाले हर छोटे बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम शमशाद चौधरी साहब, सुलेमान चौधरी साहब, आरिफ खान, सैफुल्ला खान, अनसारुल्ला चौधरी, इश्तियाक चौधरी, बहुत सारे अहबाब हैं, मैं दरमियान में उनका नाम ले लूँगा। और गालिब भाई सदारत का ऐलान नहीं हुआ है, अगर किसी को सदर बना दिया जाए। ये आप लोग की ड्यूटी थी, मैं कोई शायर थोड़ी हूँ। बगैर सदर के मुशायरा चल रहा है, मेरा ख्याल है कि तो आप हमको प्रपोज करिए कौन सदारत करेगा तो मैं, हाँ ये बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। खैर कोई वक्त नहीं गुजरा है, मैं गुजारिश करूंगा हमारे बड़े ही मोहतरम शकील आजमी साहब से कि आज की सदारत आप लोग आप कबूल करें, मैं और मुशायरा का स्टेज जो है आपको अपना आज के मुशायरे का सदर बनाना चाहता है। ज़ोरदार तालियों से हमारे सदर का इस्तकबाल करें दोस्तों। आज के इस मुशायरे के लिए नाज़िम मुशायरा जनाब गालिब शेख साहब ने शकील आजमी साहब के नाम का ऐलान किया है, मैं हर वक्त उसकी तायीद करता हूँ। और आइए दोस्तों अब इस मुशायरे को मुशायरा बनाते हैं। अभी तक ये मुशायरा मुशायरा नहीं बना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक हल्की सी हवा भी चलती है तो तसलसल टूट जाता है, शेर पढ़ने का मजा खत्म हो जाता है। तो खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए अब जहां आप बैठे हुए हैं वहीं से बैठ के शायरी समाप्त फरमाएं।
और एक अच्छी फजा में तमाम शोरा को मुझे भी आप समाप्त करें, तमाम शोरा को समाप्त फरमाए। और अब कोई चहल पहल कोई बदनज़मी ना हो, मैं आज शेर पढ़ता हूँ, आप सब शरीक हो जाएं। अर्ज करता हूँ शकील भाई कि जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, जिन्हें उरूज हमारा गिरा, शरीक हो जाइएगा दोस्तों और मुझे बताइएगा कि मैं साकी नाका में इशारा पढ़ रहा हूँ। जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, जिन्हें जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। क्या बात है, क्या बात है आलम। देखिए अल्लाह, आपने बड़ी कंजूसी ताली बजाई है, एक बार भरपूर तालियों से मेरा हौसला बढ़ाया। जिन्हें एहसान राइन साहब, बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई है, आप यकीन मानिए इतने यादगारी महफिलों में कभी कभी हम लोग शिरकत करते हैं, ये गालिब भाई की मेहरबानियां हैं, करम फरमाइयां, शरीक हो जाएं आप सब। जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहां गुजरता है, कहां निकलता है। और शकील भाई शेर देखें कि जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, सुकून से उनका कोई दिन कहां गुजरता है, मसर्रतों के ये मौसम भी इस तरह गुजरे। क्या बात, मसर्रतों के ये मौसम भी इस तरह गुजरे, किसी मकान से जैसे धुआं गुजरता वा, है। वाह 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 वाह, मसर्रतों के, शेर बहुत अच्छा था, तालियां कमजोर हैं आपकी, वाह बहुत शुक्रिया। मसर्रतों के ये मौसम भी इस तरह गुजरे, किसी मकान से जैसे धुआं गुजरता है, और निशाद भाई वो छोड़ जाता है फितनों के दरमियां हमको, अंसारुल्लाह भाई, अमरुल्लाह भाई, देखिए वो छोड़ जाता है फितनों के दरमियां हमको, जिन्हें उरूज हमारा गिरा गुजरता है, वो छोड़ जाता है फितनों के दरमियां हमको, हमारे शहर से जब भी फला गुजरता है। क्या बात है, क्या बात है, छोड़ जाता है फितनों के दरमियां, क्या बात है आलम, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो छोड़ जाता है फितनों के दरमियां हमको, हमारे शहर से जब भी फला गुजरता है। और मुलाजा फरमाए कि बेवफा बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा। देखिए दोस्तों, शकील आजमी ने आज के इस मुशायरे की दावत कबूल की, आप यकीन मानिए पूरी दुनिया के मुशायरे शकील आजमी की आमद के मुंतजर रहा करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है इस मुशायरे के वकार को कहीं से कहीं तक मजरू करने की कोशिश न करें, इसके तकद्दस को पामाल न करें। तमाम शोरा हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, कोई ऐसा शेर ना पढ़ा जाए जिससे किसी की दिलाजारी हो। जश्न शादी का मुशायरा है, आप सब शरीफ हो जाए, मतलब पढ़ता हूँ मैं, अर्ज करता हूँ कि बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, वाह क्या बात, जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, वाह जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा। और शेर समाप्त फरमाइए कि जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, कहां तक मैं सफाई, जो मुझे जैसा, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बहुत करम, बहुत करम, जो मुझे, वाह जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, और मेरे हिस्से में भी ये हार का सिलसिला। देखिए शायर की हिम्मत अफजाई हो रही है, आलम निजामी साहब को गुलपोशी की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बस आप जिस तरह मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं दोस्तों, इसी संजीदा फजा में समाप्त कर लें। जी इरशाद, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, और मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर। मुलाजा फरमाए मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। तालियां कमजोर है आपकी, भरपूर तक, बहुत शुक्रिया, बहुत करम, बेशक बेशक, मेरे हिस्से में भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शकील भाई आप सामने बैठे हैं, आप यकीन करें बहुत मजा आ रहा है, शेर पढ़ने का अपना मजा है, आपकी दाद अपनी एक तरफ और ये तमाम सामईन की दाद एक तरफ। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए कि आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, दिखाई दूंगा, मेरे हिस्से में भी आएगा बुलंदी का सफर, आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा। और ये शेर जो हमारे साकी नाका की आबरू है,
हमदर्द कौम मिल्लत जनाब एहसान राइन साहब जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। आप यकीन मानिए ये इतने बावकार है कि सिर्फ साकी नागा ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई जो है इनसे बेपना अकीदत रखती है, बेपना मोहब्बत रखती है। एक बार तालियां बजाएं एहसान राइन साहब के लिए। और ये शेर मैं जनाब गालिब शेख साहब जो बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं उनके हवाले से मैं सर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बतौर मुलादा फरमाए आसमां वालों तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा और मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं आलम। मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं आलम मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। वाह वाह मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं। बहुत अच्छे आलम बहुत अच्छे बहुत अच्छा। मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूँ आलम मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। और एक मतलब दो तीन शेर और समाप्त फरमाए और कहता हूँ कि किसी किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है। किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। वाह वाह जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। अब एक शेर शकील आजमी साहब के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए कि जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। सुना है करने लगा है वाह सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चराग से जिसका चराग जलता है। और काजिम शेख साहब एक शेर पेश कर रहा हूँ। निशाद भाई बतौर खास समाज फरमाए मेरे चराग से जिसका चराग जलता है बेसात इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को। मेरे चराग से जिसका चराग जलता है बेसात इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है। क्या बात इन आंधियों का दियों पर ही जोर। कड़वी सच्चाई बयान हो रही है भाई कड़वी सच्चाई। इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है। और एहसान भाई हमें न कीजिए मजबूर हिजरतों के लिए दरख्त अपना ठिकाना नहीं बदलता है हमें न कीजिए मजबूर हिजरतों। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत। हमें न कीजिए मजबूर हिजरतों के लिए दरख्त अपना ठिकाना नहीं बदलता है। मुलाजा फरमाए के जिस तरह बच्चे बुजुर्गों के चरण चूमते हैं जिस तरह बच्चे बुजुर्गों के चरण चूमते हैं हम मोहब्बत से मोहब्बत का बदन चूमते हैं। क्या बात हम मोहब्बत से मोहब्बत कंजूसी ना करें शेर अच्छा हो तालियां बजाते रहिए आप हजरात। हम मोहब्बत से मोहब्बत का बदन चूमते हैं और मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह। मुंह पे जिस तरह बच्चे बुजुर्गों का चरण चूमते हैं हम मोहब्बत से मोहब्बत का बदन चूमते हैं मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं माँ के कदमों की तरह। मुंह पे मल लेते हैं हम खाके मदीना की तरह माँ के कदमों की तरह खाके वतन चूमते हैं। और बढ़ जाता है इश्तियाक चौधरी साहब मुलादा फरमाए और बढ़ जाता है मंजिल पे पहुंचने का नशा और बढ़ जाता है मंजिल जिस तरह बच्चे नशा हासले गजल शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। जिस तरह बच्चे बुजुर्गों के चरण चूमते हैं और बढ़ जाता है मंजिल पे पहुंचने का सुरूर आबले जब मेरे पैरों की थकन चूमते हैं और बढ़ जाता है बहुत शुक्रिया और बढ़ जाता है मंजिल पे पहुंचने का नशा आबले जब मेरे पैरों की थकन चूमते हैं। बहुत शुक्रिया हजरात एक मतलब यूं अर्ज किया है कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले निशाते मदर ये शेर का वो दामन को छुड़ाने वाले सब शरीक हो जाए दोस्तों। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। क्या बात क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले
क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। और मोहतरम एहसान राइन साहब, अल्लाह ने आपके मकाम को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि जिंदगी भर आपके तमाम दुश्मन कफे अफसोस मलते रह जाएंगे, लेकिन कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये शेर मैं एहसान भाई आपके आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ कि क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। ए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी। गालिब भाई क्या बात है, क्या बात। ए हवाओं क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। ए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। क्या बात है, क्या बात। ए हवाओं न कहीं हाथ, क्या बात है आलम। ए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे। बहुत अच्छा शेर, वाह। बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। और जिस्म मर सकता है आवाज नहीं मरती है। कासिम भाई मर सकता है आवाज नहीं मर सकता है आवाज नहीं मरती है। याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। क्या बात। याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। याद रखे मेरी आवाज दबाने वाले। और शेर मुलादा फरमाए कि खुद को कैसे किसी मंजिल के हवाले करता, खुद को कैसे किसी मंजिल के हवाले करता। मुंतजिर थे मेरी आमद के जमाने वाले, मुंतजिर थे मेरी आमद के जमाने वाले। अब एक शेर मैं यहां से पढ़ना चाहता हूं। मेरा यकीन है और मेरा ईमान है कि जिसने मुझे अभी तक अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नहीं नवाजा है वो भी इस शेर पे खामोश नहीं बैठेगा। सबको शरीक करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए सुलेमान चौधरी साहब, मेरे दोस्त सैफुल्ला आरिफ, जहाँ कहीं तशरीफ वक्त है वहीं से शेर को समाप्त फरमाए पेश करता हूँ। ए हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी, बुझ गए मेरे चरागों को बुझाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं। क्या बात। बाप की कब्र पे, बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते। क्या सच्चाई बयान किया आलम। बहुत शुक्रिया, बहुत करम। सुभान बाप की कब्र पे मिट्टी भी नहीं डालते हैं, फूल नेताओं की कब्रों पे चढ़ाने वाले। दो शेर और आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि मादरे हिंद की अजमत का पता चलता है। क्या बात। मादरे हिंद की अजमत, नई गजल है शकील भाई बतौर इस्लाह देख लें। मादरे हिंद की अजमत का पता चलता है, हुस्ने कश्मीर से जन्नत का पता चलता है। मादरे हिंद की अजमत का पता चलता है, हुस्ने कश्मीर से जन्नत का पता चलता है। और जब भी कांधों पे उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। बेशक बेशक। जब भी कांधों पे उठाता हूँ, बहुत अच्छे आलम, वाह वाह, उठाता हूँ जनाजा कोई, जिंदगी तेरी हकीकत का पता चलता है। और जब नहीं मिलती हमें वक्ते जरूरत आलम, जब नहीं मिलती हमें वक्ते जरूरत आलम, तब किसी चीज की कीमत का पता चलता है, किसी चीज की कीमत का पता चलता है। आइए दोस्तों बतौर फरमाइश तरन्नुम बेशक तरन्नुम तो आपकी पहचान है आलम, तालियों से मेरी हौसला अफजाई फरमाए। बेशक मैं शादी के माहौल में आपको लेके आना चाहता हूँ। ये फजा महक रही है। आहा, क्या बात, वाह। पूरी तरह से शादी के माहौल में। पढ़ो 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 पढ़ो। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। वाह, वारिस कुरैशी साहब हमारे दरमियान मौजूद है मेरे भाई, पेश करता हूं मुलादा फरमाए। वाह। ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ। और हज़रात गिरामी आज के इस मुशायरे में नौशा जीशान एहसान राइन को अपनी दुआओं से नवाजने के लिए, और एहसान राइन साहब
की खिदमत में अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं एक शेर उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ, एहसान भाई बतौर खास मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद पढ़िए। ये फजा महक रही है कई रंग के हवाले, ये है यहाँ की सरजमी पर कई रंग के हवाले, है यहाँ की सरजमी पर इसी आपसी मिलन से ये वतन महक रहा है। आपसी आलम निजाम जिंदाबाद 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 आपसी मिलन से ये वतन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। और बहुत अच्छे माहौल में आप सब समाज कर रहे हैं, ये शेर खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। वाह है ये जिक्र गुंचो गुल के लबों पे किसका खिल, क्या लोच है भाई, वाह वाह वाह। है ये जिक्र गुंचो गुल के लबों पे किसका खिल, जो चमन की तितलियों का भी बदन महक रहा है। चमन बहुत अच्छे आलम साहब बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो चमन की तितलियों का भी बदन महक रहा है, ये फजा महक रही है। और इस गजल में नात का एक शेर शामिल हो गया है, हमारे हैदर चाचा भी याद अशी वक्ते हैं, पेश करता हूं मुरादा फरमाए। मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, शेर पर मुझे पूरे हिंदुस्तान ने दुआएं दी हैं, जमाल खान साहब भी तशरीफ वक्ते हैं, आप सब शरीक हो जाएं। दोस्तों मेरा ईमान है कि मोहब्बत रसूल अगर आपके सीने में तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। पेश करता हूं, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है, ये मोहम्मदी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर वाला, ये मोहम्मदी है तो कफन महक रहा है, तो कफन महक रहा है, ये फजा महक रही है, ये गगन महक रहा है। और तेरे है तेरे करम का दरिया मेरे फिक्रों पर पे गालिब, है तेरे करम का दरिया मेरे फिक्रों पन पे गालिब, ये जो अहले बज में पर पे ये जो अहले बज में पर पे मेरा फन महक रहा है, ये फजा महक रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब आखिर में तीन चार शेर फरमाइश के मुताबिक समाप्त कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। बुलाता फरमाए आलम भाई पढ़िए। हसीन ख्वाब दिखा, क्या बात है यार, बहुत अच्छी गजल, वाह, दिखा के छोड़ दिया
हसीन ख्वाब दिखाया दिखा के छोड़ दिया, हसीन ख्वाब दिखाया दिखा के छोड़ दिया, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया, बात है आला, किसी ने अपना बनाया ना बनाया बना के छोड़ दिया, कहीं ना उसकी बुराई में हम हुए शामिल, कहीं ना उसकी बुराई में हम हुए शामिल, कहीं ना उसकी बुराई में हम हुए शामिल, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया, नजर से। महमूद शेख साहब ने जो है मेरी हौसला अफजाई फरमाई, मैं उनका बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और ये शेर उनके हुक्म की तामील में दोबारा पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए, मुलादा फरमाए, नजर से जिसको गिराया गिरा के छोड़ दिया, ना उनसे रखी कभी रोशनी की उम्मीदें। ये शेर मैं अपने करम फरमा अपने भाई जनाब निशाद खान साहब के हवाले से पेश कर रहा हूँ जी, पढ़िए। नौल तेरे की कभी रोशनी की उम्मीदें, दियों को हमने जलाया जला के छोड़ दिया, दियों को हमने जलाया जला के छोड़ दिया। और शेर आखिर भी इसी तरह समाप्त कर ले जी, पढ़िए इरशाद। मैं हौसला जुटा पाया उसको छूने का, मैं हौसला जुटा पाया उसको छूने का, नकाब रुख से हटाया हटा के छोड़, सुभान अल्लाह क्या बात है, किसी ने अपना बनाया बना के छोड़ दिया। आलम निजामी साहब बड़ी खूबसूरत गजल पढ़ रहे थे माइक पे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि जुल्फ क्या चीज है, जुल्फ क्या चीज है, रुखसार में क्या रखा है, जुल्फ क्या चीज है, रुखसार में क्या रखा है, दिल ही टूटे जहां उस प्यार में क्या रखा है, अरे एक यूसुफ ने बढ़ा रखी है सारी रौनक, वरना उस मिस्र के बाजार में क्या रखा है। आलम निजामी एक मोतबर शायर हमारे मकामी हैं, घर के हैं, हम उतनी इज्जत नहीं दे पाते, लेकिन सच बताऊं कि यही गजल अगर ये कहीं बंबई से बाहर एक बार पढ़ देवे तो मजमा खड़ा होकर